बलौदाबाजार में पुलिस ने सिमगा के एक मकान में चल रहे जुआ फड़ को पकड़ा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा की विशेष टीम ने निरीक्षक अजय झा के नेतृत्व में भाजपा नेता अनिल पांडे के मकान में दबिश देकर जुआ खेल रहे 24 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 10 लाख से अधिक नकद सहित दो कार और बाइक सहित 24 मोबाइल को जब्त किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार लोगों में जनप्रतिनिधि और बड़े व्यापारी शामिल हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि अनिल पांडे के घर में सिमगा में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसकी सूचना पर हथबंद थाना प्रभारी अजय झा, उनकी टीम और थाना सिमगा की टीम द्वारा जाकर रेड किया गया। रेड करने पर वहां पर 24 व्यक्ति जो है जुआ खेलते पकड़े गए, जिनसे 10,87,062 रुपए जब्ती की गई है और उनकी गाड़ियां और मोबाइल जो वहां पर थे उन्हें जब्ती की गई है। सभी पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जुआ फड़ में पुलिस ने कार्रवाई की है और वहां से 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा नेता अनिल पांडे के घर ये पुलिस का छापा पड़ा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चतुर्मूर्ति वर्मा जुड़ गए हैं। चतुर्मूर्ति, एक भाजपा नेता के घर पे छापा मारकर जुआ पकड़ा गया है, क्या जानकारी है? जी देखिए, पुलिस को जुए के मामले में बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है और ये सिमगा में भाजपा नेता है अनिल पांडे, उनके घर पर जो है ये जुआ संचालित कराया जा रहा था। उनके पुत्र जो है इस जुए में खुद शामिल थे और आसपास के, अगर बलौदाबाजार जिले के नहीं, आसपास के जिले हैं, दुर्ग है, बेमेतरा है, इन जगहों से जो है जुआरी आकर यहाँ पर फड़ जमा कर जुआ खेल रहे थे। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी, उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 जुआरियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। लगभग 11 लाख रुपए समेत 26 मोबाइल और गाड़ियां भी यहाँ पर जब्त की है। बड़ा सवाल ये है कि जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में जो है ये पूरा जुआ चल रहा था। बीजेपी नेता है अनिल पांडे और उनके घर पर इस तरीके से जो है जुआ खिलवाया जाना, ये कहीं ना कहीं बड़ा जो है सवाल खड़ा करता है। दूसरा ये कि इस जुए में जो जिन जुआरियों की गिरफ्तारी हुई है उसमें जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसमें जो है कई राजनीतिक दल के नेता शामिल है। इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल है, कांग्रेस के नेता भी शामिल है, साथ ही जो है व्यापारी वर्ग जो है वो इसमें शामिल हैं। तो आप जो है इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर जुआ चल रहा है। और ये सूचना थी कि काफी दिनों से ये जुआ संचालित किया जा रहा था, पुलिस की नजर इस पर बनी हुई थी और एसएसपी दीपक कुमार झा वो उनके निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई जो है की गई है। इसमें कुछ पुलिस वालों के भी संलिप्त होने की जो है खबरें आ रही है अभी तक। हालांकि इसका स्पष्ट रूप से जो है पुलिस के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस जुआ में दो पुलिसकर्मी के शामिल होने की बात जो है यहां पर सामने आ रही है। जी जी चतुर्मूर्ति, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे बलौदाबाजार से, जुआ खेलते 24 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये जुआ भाजपा नेता अनिल पांडे के घर में संचालित किया जा रहा था और पुलिस ने उनके घर पर छापा मारकर जुआ पकड़ने में सफलता हासिल की है। करीब 11 लाख रुपए बरामद किए गए हैं इस दौरान।